हमारे बाजार कैसे रहेंगे, नई वीकली एक्सपायरी भी हो रही है शुरू। आइए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी के साथ। अनिल जी गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से दमदार संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। कल तो हमारे बाजारों में भी एक और रिकॉर्ड तेजी रही, लगातार सातवीं पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग के लिए हम और ग्लोबल मार्केट्स भी हैं तैयार। तो बताएं सर, आज कैसा एक्शन दिखेगा, नए रिकॉर्ड्स और उसके बाद क्या कैसी चाल रहेगी, इस पर अपनी नजर डालें। बिल्कुल मनेंगे जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और संकेत बहुत बढ़िया है, लगातार छह दिनों से मारा है तेजी का अमेरिकी बाजारों ने, कहीं कोई धीमेपन के कमजोरी के संकेत है नहीं। आई एम लाइकिंग इट, डाउ जिस तरह से बढ़िया तेजी दिखा रहा है और हम लगातार बात कर रहे हैं दिवाली के वक्त से कि डाउ बड़ी तेजी के लिए तैयार, नए हाइज बनाने के लिए तैयार। और आप देखिए जो एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है, कहीं कोई रुकने ठकने का नाम है नहीं। सो ग्लोबल संकेत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब पॉजिटिव है। और कच्चा तेल भी देख लीजिए, जहां हम मार्केट में पहुंच चुके हैं उसके सामने क्या है, कच्चा तेल कुछ नहीं, $76, बहुत इजीली हमारे कंफर्ट जोन में है। अब आइए हमारे अपने संकेतों के लिहाज से देखें तो भारतीय बाजार में बेहद मजबूत है, लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं, आंकड़े खरीदारी के दमदार आ रहे हैं। और दीप कल के सेशन में तो कुछ ज्यादा ही अच्छे नंबर आए, क्योंकि कल तो कोई खास ऐसी ब्लॉक डील्स भी थी नहीं, फ्यूजन माइक्रो की छोड़ दी तो उसके अलावा उसके बावजूद कैश मार्केट में करीबन 3570 करोड़ की खरीदारी FIIs की बहुत मजबूत कही जाएगी। अब एक बात और अच्छी आज दी है कि आज शुक्रवार है, वीकली ट्रेडिंग क्लोजिंग ट्रेडिंग सेशन है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है और दोनों ही जगह पोजीशन काफी हल्की है। तो हल्के बाजार के लिए ऊपर उठने में और बढ़ने में बहुत आसान सा काम है। तो सिंपल सी चीज है कि इस लाइफ टाइम हाई के मार्केट पर आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है, बाइंग रेंज कहाँ है और किस लेवल के नीचे जाने पर बाजार होगा खराब। और आज के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो है 21,025-21,075, ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर गलती से दिन के दौरान कभी भी इस रेंज में आ जाए तो कोई आपको इनविटेशन नहीं देगा, तुरंत वहां पर खरीदारी कर लीजिए, बाय ऑन डिप बाय ऑन एवरी डिप की स्ट्रेटजी लेकर चलिए। ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं पता नहीं, 21,225 के पार निकल कर आगे उसके ऊपर ही खुलेंगे, ब्लू स्काई जोन है। और मजे की बात ये दीप की ब्लू स्काई जोन में ना आपके पास में कोई लेवल से पुराने क्योंकि पहली बार वहां पहुंचेंगे और नए कोई खास डेटा है तो ये कहना मुश्किल है कि कितना ऊपर जाएगा। बस आप तो अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करो, स्टॉपलॉस को ट्रेल करते चलो, सिंपल यही फॉर्मूला काम आएगा। बैंक निफ्टी 47,450-47,575 मजबूत सपोर्ट जोन है, इसी रेंज में पहले सपोर्ट रेंज में ही आपको खरीदारी कर लेनी है। और ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट 47,950-48,000 के आसपास है, एक बार 48,000 को पार करके बैंक निफ्टी टिका निकला ऊपर तो फिर ये भी आपके लिए ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ नजर आएगा। तो ये है लेवल जिस पर आपको रखनी नजर, तेजी के रुझान के साथ बने रहें, डटे रहें, लगे रहें।